डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम राजीव सर फ्रॉम स्टर्लिंग स्कूल बरावा जौनपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल साइंस क्लास थर्ड चैप्टर 10 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। डिफरेंट मीन्स विभिन्न, ऑक्यूपेशंस मीन्स पेशे या व्यवसाय, विभिन्न पेशे या व्यवसाय। पीपल हैव सेवरल नीड्स एंड टू सेटिस्फाई देम दे हैव टू डू सर्टेन वर्क्स। लोगों के पास कई ज़रूरतें हैं और उनको पूरा करने के लिए उन्हें कुछ कार्यों को करना पड़ता है। बाई डूइंग दीज वर्क्स दे अर्न मनी, इन कार्यों को करने के द्वारा वे पैसे कमाते हैं। दस द वर्क्स दैट पीपल डू टू अर्न मनी आर कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशंस। इस प्रकार कार्य जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं उनका पेशा या व्यवसाय कहा जाता है। दे टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स स्किल्स चॉइस एंड क्वालिफिकेशन। एज सम पीपल वर्क इन फील्ड्स वाइल सम इन माइंस फैक्ट्रीज ऑफिसेस एक्सेट्रा। वे अपनी ज़रूरत, कुशलता, पसंद और योग्यता के अनुसार पेशे को अपनाते हैं, विभिन्न पेशे को अपनाते हैं। जैसे कि कुछ लोग खेतों में कार्य करते हैं जबकि कुछ खदानों, कारखानों और कार्यालयों इत्यादि में कार्य करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, आउट ऑफ देम सम आर डिस्क्राइब बिलो। विभिन्न प्रकार के पेशे हैं, उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है। फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स कृषि। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस, दस ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलाइजेस ऑन फार्मिंग। भारत में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, इस प्रकार जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। ए फार्मर ग्रोज मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, काटन, सुगर केन एक्सेट्रा एंड सेल्स देम इनटू द मार्केट एंड इन रिटर्न गेट्स मनी। एक किसान कई प्रकार की फसलों को उगाता है, जैसे कि अन्न या खाद्यान्न, तिलहन, कपास, गन्ना आदि, और उन्हें बाज़ार में बेचता है और बदले में पैसे प्राप्त करता है। फ्लैट लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन आर नीडेड फॉर फार्मिंग। समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के साधन कृषि के लिए आवश्यक हैं। मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फार्मिंग, कई उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। फॉर एग्जाम्पल काटन, जूट, ऊल एंड सिल्क आर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथ्स, वाइल शुगर कैन एंड ऑयल सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड ऑयल इन शुगर मिल्स एंड ऑयल इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली। उदाहरण के लिए कपास, जूट, ऊन और रेशम वस्त्र उद्योग में कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि गन्ना, तिल और तिलहन चीनी मिलों और तेल उद्योगों में क्रमशः चीनी और तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन। फार्मर्स आल्सो कीप कैटल इन देयर फार्म्स फॉर मिल्क। किसान दूध के लिए अपने खेतों में पशु भी रखते हैं या पालते हैं। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक घी, बटर, चीज एक्सेट्रा। दूध उत्पादों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि घी, मक्खन और पनीर आदि। दे सेल दीज प्रोडक्ट्स इन मार्केट एंड इन रिटर्न गेट मनी।
वे इन उत्पादों को बाजार में बेचते हैं और बदले में पैसे प्राप्त करते हैं। दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। इस पेशे को दुग्ध उत्पादन कहा जाता है। माइनिंग। इन सम प्लेसेस ऑफ इंडिया मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, गोल्ड एक्सेट्रा आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। भारत के कुछ स्थानों में खनिज जैसे कि लोहा, कोयला, सोना आदि जमीन के अंदर गहराइयों में पाए जाते हैं। मैनी पीपल आर इंगेज्ड टू डिग आउट द अर्थ एंड एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। बहुत से लोग पृथ्वी को खोदने और पृथ्वी से इन खनिजों को निकालने के काम में लगे हुए हैं। दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड माइनिंग। इस पेशे को या व्यवसाय को खनन कहा जाता है। वी गेट मैनी काइंड्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स। हम खनिजों से कई प्रकार की धातुओं को प्राप्त करते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, स्टील, एल्युमिनियम एंड कॉपर एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिग मशीन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ईटीसी। धातु जैसे कि लोहा, स्टील, एल्युमिनियम और तांबा आदि बड़ी मशीनों और परिवहन वाहनों आदि को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बच्चों अगले वीडियो में आपको आगे का पढ़ाएंगे।